हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट बहुत ही छोटा टॉपिक है ऑल मैं इस असेसमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ बट इश्यूज करिकुलम एंड असेसमेंट में टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट क्या होता है सो so, असेसमेंट को हम कई तरह से देख सकते हैं असेसमेंट जब वर्ड यूज़ होता है तो हम किसी को भी आप कह सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको एनालाइज कर रहे हैं बाद में इवेल्यूएट कर रहे हैं कि कैसा उसने परफॉर्म करा है अब वो उस पर्सन की नॉलेज के ऊपर भी हो सकता है उसके स्किल्स के ऊपर भी हो सकता है उसकी एबिलिटीज़ के भी ऊपर हो सकता है उसके करेक्ट्रिस्टिक्स के बेसिस पे भी हो सकता है और आपने अगर नॉर्मल टर्म में हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं तो एजुकेशन में हम बच्चे के असेसमेंट करते हैं ठीक है पहले बहुत पहले क्या होता था असेसमेंट में मोस्टली हम उसके अकेडमिक्स पे फोकस करते थे ठीक है अकेडमिक्स में उसके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करते थे बट अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी ऐड हो चुकी हैं यानी कि हम उसके उसके जो स्किल्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आप कह सकते हैं वो स्पोर्ट्स में कैसा है आर्ट्स में कैसा है इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं इट सर्व सेवरल पर्पजेज इंक्लूडिंग मेजरिंग लर्निंग आउटकम ये कई सारे पर्पज सर्व करता है जैसे कि ये लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है ठीक है स्ट्रेंथ को डायग्नोस करता है किसी भी बच्चे की कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसकी वीकनेस कहाँ है का, मतलब क्या है वो किस चीज़ में स्ट्रोंग है किस चीज़ में वीक है एंड वो इंस्ट्रक्शन एंड इंटरवेंशन देते हैं मतलब असेसमेंट होने के बाद हम बता सकते हैं कि वॉट यू आर सपोज टू डू एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट सो वी कैन इंस्ट्रक्ट देम एंड वी कैन गिव इंटरवेंशन एंड ऑब्वियसली इट कैन हेल्प देम इन मेकिंग डिसीजन अबाउट एडवांसमेंट प्लेसमेंट ऑन सर्टिफिकेशन असेसमेंट्स के बाद ना असेसमेंट भी दो तरह के होते हैं दैट इज आपका फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव जब कई बार सबमेटिव असेसमेंट जब होता है उससे पता चलता है कि उस बच्चे ने क्या सीखा एंड फाइनली क्या हम उसको वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वो डिग्री ये सब चीज़ें दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं ठीक है ठीके? बहुत ब्रॉडर टर्म में है इट्स नॉट वेरी शॉर्ट एंड ईजी आई मीन इट इज नॉट समथिंग जो आप एक लाइन में समझ जाएं बट इस पर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो कवर कर चुकी हूँ नाउ असेसमेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स यानी असेसमेंट जो होता है ना वो कई सारी फॉर्म्स लेता है जैसे कि टेस्ट एग्जाम्स प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़ तो असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपका केवल रिटर्न टेस्ट लिया है ऐसा कुछ नहीं है असेसमेंट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है किसी ने आपका टेस्ट लिया एग्ज़ाम लिया प्रोजेक्ट लिया पोर्ट प्रोजेक्ट्स आपका प्रोजेक्ट देखा कि आपने कैसा करा पोर्टफोलियो यानी जिसमें आपने जो भी वर्क किया आज तक उसका सब रिकॉर्ड होगा आपको किसी ने ऑब्जर्व किया या इंटरव्यू लिया ठीक है तो ये सब चीज़ें आपकी असेसमेंट का पार्ट होती हैं इट कैन बी कंडक्टेड इन एजुकेशनल सेटिंग एग्जाम्पल क्लासरूम स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में ठीक है कि क्लासरूम में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया स्कूल में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया यूनिवर्सिटी में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया या फिर असमेंट लोगों का उनके प्रोफेशनल सेटिंग में भी होता है यानि कि वी टेक देयर इंटरव्यूज़ हम उनका वर्क प्लेस वैल्यूएशन देखते हैं सो दोनों चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं असेसमेंट दैट मीन्स इट कैन टेक इन वेरियस फॉर्म्स जैसे कि टेस्ट एग्जाम्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन सब चीज़ों में एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी यूजफुल अगर हमें किसी का जॉब इंटरव्यू वर्क प्लेस या इवेल्यूएशन देखना है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इंक्लूड बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट नाउ अगर मैं बात करूँ किसी भी बच्चे का असेसमेंट जो होता है ना वो फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव दोनों फॉर्म में होता है फॉर्मेटिव होता है जो पूरे साल चलता रहता है मतलब लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलता रहता है एंड इससे हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है जब हमें फीडबैक मिला तो बच्चे पे हम वर्क कर सकते हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकता है ठीक है सो द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इंक्लूड बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट्स एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट अकड़ ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस यानी टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड इट प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव लर्निंग इससे हम स्टूडेंट को या इंस्ट्रक्टर को फीडबैक देते हैं ताकि उसकी लर्निंग इम्प्रूव ठीक है सपोज असेसमेंट हुआ फॉर्मेटिव जैसे एक तो आपका टेस्ट होता है फाइनल टेस्ट जिससे आपके रिजल्ट बाद में पता चलता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट अगर मैं बोलूं कि एक आपके जो मिड टर्म या साइड बाय साइड टेस्ट चलते रहते हैं क्लास टेस्ट उससे क्या होता है वो कई बार वो कहीं ऐड नहीं होते या कई बार होते भी हैं बट उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सो समेटिव असेसमेंट अकर एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ लर्निंग एंड मेजर द ओवरऑल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट अचीविंग समेटिव असेसमेंट आपका पीरियड uh, के जो मतलब एंड ऑफ द पीरियड ऑफ लर्निंग जब लर्निंग खत्म हो चुकी उसके बाद होता है इट सम्स योर होल परफॉर्मेंस एंड उससे ये पता चलता है कि आपने कितना सीखा आपको कितना समझ में आया आपने कितना अचीव किया ठीक है इन एडिशन टू मेजरिंग अकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स असेसमेंट कैन ऑल्सो इवेलुएट नॉन कॉग्नेटिव ट्रेट सच एज टीम वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल सपोज कोई टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहे थे ठीक है अब उन्होंने ऑब्जर्व करते करते देखा कि आप कैसे फटाफट से टीम में काम कर रहे हो ठीक है आप कैसे आसपास के लोगों से बात कर रहे हो या फिर उन्होंने कोई टास्क दी जिसमें आपने मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी इट वाज समथिंग डिफरेंट जहां पे आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शो किया तो इस बेसिस पे भी आपका असेसमेंट होता है इन एडिशन टू मेजरिंग अकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स असेसमेंट आपके नॉन कॉग्नेटिव ट्रेड्स जैसे कि टीम वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन स्किल्स इनको बेटर बनाता है This holistic approach to assessment aims to provide a comprehensive understanding of an individual ability and potential. ये जो एक holistic approach होती है ना overall approach जिससे हम understanding better करते हैं या हमें किसी भी person की abilities की कि क्या उसकी सक्षम मतलब कितना वो सक्षम है और क्या उसका potential है दोनों चीज़ों को improve करने में मदद करता है ठीक है Assessment याद रखिएगा it should be fair, valid and reliable. मतलब कि सही होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए मतलब आप टेस्ट बना रहे हो टेस्ट में आपने गलती कर रखी है सोचो क्या वो माना जाएगा सही या आपने किसी के साथ किसी बच्चे को किसी बेसिस पे जज कर दिया किसी बेसिस बच्चे को किसी बेसिस पे जज कर दिया तो वो गलत होगा वैलिड मतलब सही हो माना जाए ऐसा ना हो कि जैसे मैंने बताया ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी या आप अलग अलग बच्चों पर ट्राई कर रहे हो बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आ रहा है और सेम ही चीज़ का मतलब रिजल्ट आना चाहिए वो वैलिड नहीं माना जाता इसको भी मैंने कवर किया है कि वैलिड रिलायबल का एक्चुअल मतलब क्या होता है बहुत डिटेल में ये आपको सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी ठीक है रिलायबल मतलब आप भरोसा कर सको तो आपने एक बच्चे पे वो टेस्ट किया तो आपको पता है कि भाई दूसरे बच्चे पे भी वो टेस्ट करोगे तो वो भरोसे बंद है ऐसा ना हो कि एक बच्चे के बाद वो किसी पे कर ही ना सके टेस्ट दिस मीन्स दैट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट शुड एक्ूरेटली मेजर व्हाट दे आर इंटेंडेड टू मेजर इसका मतलब है कि असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट उन चीज़ों को मेजर कर सके जो उसको मेजर करना चाहिए बिना किसी बायस के किसी के साथ भेदभाव ना हो डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम मल्टीपल असेसमेंट मैथर्ड्स यूज करें ठीक है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज मल्टीपल असेसमेंट मैथर्ड्स एंड हमें देखना होगा कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस क्या हैं ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल एंड एक्यूरेट असेसमेंट बना सके ये बात आपको समझ में आई सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग एंड हमेशा याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट कुछ पॉइंट्स जो हमें असेसमेंट को लेके चलने हैं असेसमेंट हमेशा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना चाहिए सपोज एग्जाम्पल देती हूँ आपने सिक्स क्लास का टेस्ट दिया होगा ठीक है सेवन्थ का दिया होगा अब सिक्स क्लास के फाइनल टेस्ट में आपसे एर्ट का सिलेबस पूछ के टेस्ट बना दें तो क्या ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहा है आपको लर्न तो आपका टेस्ट तो देखना था कि आपने सिक्स क्लास में कितना लर्न करा बट एट्थ क्लास का पूछ लिया दैट मीन्स इट इज़ नॉट अलाइनिंग विद द डू वी से विद द ऑब्जेक्टिव सो असेसमेंट शुड मेजर द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट आर स्पेसिफाइड इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो असेसमेंट मेजर करना चाहिए नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिखे दिस इंश्योर दैट असेसमेंट रिजल्ट रिफ्लेक्ट द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम यह क्या बताता है कि जो असेसमेंट का रिजल्ट होता है ठीक है असेसमेंट रिजल्ट रिफ्लेक्ट द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम मतलब जो हम अचीव करना चाहते थे जो हम देखना चाहते थे ये उसी को मेजर करें ठीक है एक चीज और याद रखनी है हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है तो असेसमेंट लेते टाइम आपको डाइवर्स नीड ऑफ एबिलिटीज ऑफ लर्नर को ध्यान में रखना है एग्जाम्पल एक बच्चा स्पेशल है हमारी क्लास में ठीक है और बाकी बच्चे आपके आपने उनको टेस्ट दिया तो आप उन बच्चों को जो टेस्ट दिया क्या आप इस बच्चे को दे सकते हैं हो सकता है वो थोड़ा सा चैलेंज <coughs> सॉरी <coughs> हो सकता है उसके लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो तो ऐसे में आप क्या करोगे वट शुड बी योर अप्रोच आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओगे ठीक है डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप मॉडिफिकेशन लाओगे ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड लाओगे ताकि ये श्योर हो सके कि इक्विटेबल एंड फेयर इवेल्यूएशन हो रहा है ठीक है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट असेसमेंट शुड बी ऑन गोइंग प्रोसेस दैट अलाउ फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है एंड हाँ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम असेसमेंट के रिजल्ट को सॉरी असेसमेंट के रिजल्ट को हम देख रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस या इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ निकाल सकें मतलब सपोज आपने टेस्ट लिया लेकिन बच्चे का कोई फायदा ही नहीं हुआ उसमें बस आपने बच्चे को परेशान करने के लिए टेस्ट ले लिया कि मैं पाँच काट दूंगी इस तो टेस्ट ले लूँ नहीं असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि सपोज आपने टेस्ट लिया बच्चे के मार्क्स कमाए कोई बात नहीं आपको ये देखना है कि बच्चे का वीक एरिया कहाँ पर है आप उसको उस बेसिस पे फीडबैक दोगे ताकि वो बच्चा उस जगह पे काम कर सके या फिर वो इम्प्रूव कर सके ठीक है उसके बाद आया बैलेंस्ड असेसमेंट अप्रोच अ बैलेंस्ड असेसमेंट अप्रोच इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बैलेंस्ड असेसमेंट अप्रोच का मतलब होता है हम अलग अलग डिफरेंट असेसमेंट मेथड यूज करते हैं ताकि हम एक ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस तैयार कर सकें कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया नाउ ना बैलेंस्ड आपने सिर्फ रिटर्न टेस्ट ले लिया सिर्फ या फिर फॉर्मेटिव ले लिया तो क्या वर्क करने वाला है बच्चे की अलग अलग स्किल्स को मेजर करने के लिए यू नीड टू ट्राई डिफरेंट मेथड्स पहली बात तो ये दूसरी बात द थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ फॉर्मेटिव एंड सब असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ठीक है ध्यान से सुनिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट इज समथिंग विच टेक प्लेस लाइक होल ऑफ द ईयर ठीक है जो पूरे साल चलता है और इससे फीडबैक मिलता है तो आपने फॉर्मेटिव लिया लेकिन फीडबैक भी मिल गया बच्चे ने इम्प्रूव भी कर लिया लेकिन फाइनली हमें पत, देखना भी तो पड़ेगा ना बच्चे ने किस लेवल तक बच्चा पहुंचा है तो उसको मेजर करने के लिए या बच्चे को आगे प्रमोट करने के लिए हमें सबमेटिव असेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है सो इट शुड बी बैलेंस्ड अप्रोच ऐसा ना हो कि केवल सबमेटिव हो या केवल फॉर्मेटिव हो या फिर कोई एक रिटर्न टेस्ट ही हो विदाउट एनी अदर फैक्टर वो सब दिमाग में रखना एथिकल कॉन्सिडरेशंस असेसमेंट शुड फॉलो एथिकल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एनशेरिंग द प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट मिनिमाइजिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रीटिंग ऑल नो न फेयरली एंड इक्विटेबिली तो असेसमेंट क्या करना चाहिए वो एक एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करे ये ध्यान रखना है क्या कि भाई जो भी आप असेसमेंट कर रहे हो उसमें प्राइवेसी जैसे होता है ना पेपर लीक हो गए तो इसमें तो प्रीवेसी नहीं बची असेसमेंट रिजल्ट्स का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियल हो ऐसा नहीं हो कि एक बच्चे के खराब मार्क्स आए पूरी दुनिया में एक टीचर ने गा दिया कि भाई इस बच्चे के तो बहुत ख़राब मार्क्स आए पढ़ता नहीं है बहुत गलत बात है मिनिमाइजिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन जहां भी आपको लग रहा है कि भेदभाव मतलब तो भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए आपके असेसमेंट के मेथड से दैट इज द लाइक द मतलब जिसे कहना चाहिए सबसे खराब चीज़ जो आप कर सकते हो सो आई थिंक वी हैव डन एंड कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट सो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट वी हैव कवर्ड सो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है ना मैं अगेन रिपीट करी उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई मैं डिटेल में कवर करके हर एक टॉपिक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिल जाएगी एंड दैट इज द वे यू कैन सपोर्ट मी एंड साथ की साथ अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए आई ट्राई टू हेल्प यू आउट थैंक यू सो मच हैवे नाइस